विकसित भारत संकल्प यात्रा बनी मजाक, लाभार्थियों की जगह बिठाए स्कूली छात्र, पूर्व विधायक हुई नाराज, जमकर लगाई क्लास। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के पाली इंटर कॉलेज के मैदान में नगर पालिका द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैंप भी लगाए लेकिन लाभार्थियों की जगह स्कूल के छात्रों को बिठाया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा पहुंचे तो दंग रह गए। अधिकारियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को खुली मजाक बना दिया, जहां लाभार्थियों की जगह पिने आए बच्चों को देख भड़क गए, कड़ी नाराजगी जताई। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया फिरोजाबाद में, तो जिस तरह से आपने भी मन से बातें की हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, ये संकल्प यात्रा का मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनकी गारंटी, और उसके तौर पर यहाँ शुकावाद में आज संकल्प यात्रा का पाली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम था। यहाँ के जिन अधिकारियों ने इन जो लाभार्थी हैं उनको कोई ना सूचना देकर, और एक मेरी बात सुनिए, पहले आप मतलब मुझे बात कर लीजिए, और उसके बाद उन्होंने ना किसी को सूचना करके एक बच्चों के तौर पर यहाँ कॉलेज में बुलाकर, और सारे हम फिरोजाबाद से यहाँ आए, हमने देखा कि यहाँ के लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि हमारे जितने यहाँ के लाभार्थी हैं उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उससे जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ना कि एक बच्चों को दिखाने के लिए या नेताओं को। नेताओं की वहाँ उपस्थिति इस वजह से होनी चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वहाँ जाकर ये देखें कि अधिकारी वास्तव में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके तौर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। और ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के, कोई मैं लगातार 15 तारीख से हर गाँव में जा रहा हूँ, उन्होंने हर गाँव में जहाँ जितने अधिकारी आते हैं उनके कैंप लगाकर उसका निस्तारण, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे LPG की कनेक्शन की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो, या शुकाबाद में मैं समझता हूँ कि लाभार्थियों को कोई आवास मिलने की सुविधा नहीं हुई, क्या हुई है तो यह लाभार्थियों को आना चाहिए, जो रह गए हैं उनको पात्रता के अनुसार उनको लाभ मिलना चाहिए, ये काम है हमारे माननीय मोदी जी का और योगी जी का। उस तौर पर यहाँ के अधिकारियों ने कतई ही इस पर ना ध्यान देकर, और माननीय मैं आज सूचना करूंगा ऊपर भी अपने उपाध्यक्ष जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा कि ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। माननीय मोदी जी का एक मिशन है, मिशन के तौर पर काम करना है और अधिकारियों को सक्रिय करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो काम हो रहा है ये हम कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व विधायक ने नाराज दिखाई, क्या वजह रही नाराज जी? वजह क्या है कि इसमें जितने भी विभाग के स्टॉल लगने थे और उनके लाभार्थियों को बुलाने थे, तो नगर पालिका का जो दायित्व था वो बखूबी निभाया गया, टेंट वेंट लगाया गया, सब इंतजाम किया गया और स्टॉल के जगह भी दी गई, और उसमें बहुत सारे विभागों ने अपना स्टॉल नहीं लगाया, स्टॉल लगाया भी तो अपने लाभार्थियों को नहीं बुलाया। नगर पालिका की जो योजनाएँ हैं उस योजना के तहत PM स्वनिधि के कुछ हमने बोर्ड वोड बंटवाए हैं, तो उनकी नाराज़गी ये थी कि जो स्टॉल लगने से क्या फ़ायदा कि इनके लाभार्थियों को नहीं बुलाया गया या जो वंचित हैं उनको नहीं बुलाया गया। तो ये तो जिस विभाग की योजना है उस विभाग के अधिकारी अपना स्टॉल लगाए तो उनके लाभार्थियों को या जो वंचित रह गए उनको बुलाना चाहिए था। यही बात थी कि हम मतलब कि यहाँ स्कूल में ये प्रोग्राम था तो स्कूल के बच्चे भी बैठे गए, तो वहाँ का बच्चों से क्या हम बताएं? तो ये जिस तरह से लाभार्थी नहीं बुलाए गए तो आप लाभार्थी किसकी मानते हैं? संबंधित जितने भी योजनाएं हैं सभी डिपार्टमेंट की जो भी अधिकारी हैं वो सब जिम्मेदार हैं।